हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके साथ कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम आलू और पनीर से बनाएंगे। तो जिसके लिए मैंने लिए हैं बॉयल आलू। इसमें डाला है मैंने नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच अरारोट लिया है। तो इनको हमें फोड़ लेना है। आलू के भुर्ते को हमने तैयार कर लिया है। पनीर लिया है मैंने, इसमें डाला है मैं नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और 1 प्याज बारीक कटी हुई, इसको भी हम मिक्स कर देंगे। ग्रेवी के लिए लिए हैं मैंने 3 टमाटर, 3 प्याज और 4 लहसुन की कलियां। मसाले लिए हैं 2 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, पनीर मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। गैस पे कढ़ाई रख देंगे। प्याज, टमाटर और लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया है। पनीर को भी हमने मिक्स कर दिया है, तो पनीर की छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। हमें पनीर की बॉल बना लेनी है। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। तो आलू को हमें इस तरह से लेना है, इसको हमें ऐसे रोटी की तरह बढ़ाना है। इसके अंदर रखेंगे पनीर की बॉल और इसे ऐसे। इस तरह से कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। बना लेते हैं सभी कोफ्तों को। कोफ्ते बन गए हैं, तो इनको तल लेते हैं। ऑयल हमारा गरम है, ऑयल गरम है, गैस मीडियम रखेंगे। कोफ्ते हमारे तल चुके हैं, निकाल लेते हैं। इसी तरह से तलने हैं। गैस पे कढ़ाई रख दी है। कोफ्तों के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ऑयल गरम हो गया है, तो ऐड कर देंगे जीरा, सूखी लाल मिर्च, प्याज, लहसुन और टमाटर का पेस्ट। सभी मसाले ऐड कर देंगे, पनीर मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच डालेंगे दूध की मलाई, ताजा मलाई 1 से 1.5 चम्मच मिक्स कर देंगे। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, तो ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार, मिक्स कर देंगे। पानी ऐड कर देंगे, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए इतना आप पानी ऐड कर सकते हैं। पकने देंगे। ऐड कर देंगे 1 चम्मच अरारोट, उसी में पानी में घोल के डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। ऐड कर देंगे कोफ्ते। कोफ्ते डालने के बाद ही हमें ज़्यादा नहीं पकाने हैं, 1 मिनट के लिए ऐसे ही खुला पकाना है। तो हमारे आलू और पनीर की कोफ्ते बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको मेरी कोफ्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कोफ्ते की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।